स्टार प्रचारकों द्वारा चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए इन दिनों नेताजी उड़न खटोले की सवारी कर रहे हैं। आखिर कई सभाओं को जो संबोधित करना है, सैकड़ों मील की यात्रा जो करनी है, जनाब थकते भी नहीं हैं और हर दिन 4-5 सभा को संबोधित कर देते हैं। चुनावी सभा में नेताजी के उड़न खटोले ग्रामीण इलाकों में जब उतरते हैं तो नेताजी को सुनने कम और उनके उड़न खटोले को देखने वालों की भीड़ ज्यादा होती है। पूर्णिया में इन दिनों रोज कहीं न कहीं 3 से 4 हेलीकॉप्टर आकाश में घूमते हुए जमीन पर आ धमकते हैं। कई बार लोगों की भीड़ कम देखते हुए नेताजी 2-4 चक्कर लगाने के बाद अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर ही नीचे आते हैं और लोगों की भीड़ उस ओर आ धमकती है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई बच्चों की उड़न खटोला देखने की जिद पूरी कर रहा है और कोई पहली बार देखने की ख्वाहिश लिए दौड़े दौड़े आ जाता है। नेताजी का करबद्ध अभिवादन उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, उनके झूठे भाषण उन्हें नहीं लुभा पाते, उन्हें तो बस उड़न खटोले को देखना है। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हेलीकॉप्टर का भी अपना एक महत्व है। अगर कहा जाए तो हेलीकॉप्टर भी प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके देखा जाता है कि जब हेलीकॉप्टर आते हैं उनमें कोई नेता, स्वाभाविक है नेताजी अपने प्रचार के लिए आते हैं, तो वो चारों बगल उसको घुमा देते हैं। उनका जो कुछ भी उसे उसकी आवाज़ से आसपास के टोला मोहल्ला के समूचा आदमी को ज्ञान हो जाता है कि अभी अब नेताजी आने वाले हैं और अब इसके बाद वो सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो मेरा कहना है क्या कि वहाँ जो लोकल लाउड स्पीकर से प्रचार होता है कि फल्ला नेताजी आ रहे हैं, फल्ला पार्टी के फल्ला वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, आप उनको सुने, उससे ज़्यादा प्रभाव तात्कालिक और इमीडिएट प्रभाव उस हेलीकॉप्टर का भी पड़ता है। जो पब्लिक जमा हो जाते हैं और इसके बाद जो है नेताजी के विचार से, उसके भाषण से खुद को जो है तो कभी कभी प्रफुल्लित अनुभव करते हैं। नेताजी भीड़ जुटाने के लिए कोई हथकंडा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जनता सब जानती है जनाब, उन्हें तो बस उड़न खटोले देखने की चिंता है। अब 5 साल पर आप आएंगे, वो भी हवाई जहाज से, तो जनता में आपका क्या क्रेज रहेगा, आपको भी समझना चाहिए। लेकिन आपको तो लगता है कि जनता उन्हें सुनने को दौड़ी है, यही भूल तो आपके हार का कारण है नेताजी। आप सड़क से आइए, भीड़ का एहसास तब होगा ना। अब तो आते ही हैं उससे जिसे जनता ने 5 वर्ष पूर्व पिछले चुनाव के समय देखी थी। आज के युग में हेलीकॉप्टर का एक अलग महत्व है और जब कोई भी नेता हेलीकॉप्टर से ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जब उतरता है तो लोगों की भीड़ ऑटोमेटिक वहाँ जमा हो जाती है और जो नेता होशियार होते हैं वो एक दो बार जो है अपना हेलीकॉप्टर को पूरे मैदान में घुमा देते हैं और वो घुमाने के कारण क्या होता है, गांव में घर घर से लोग निकल निकल करके उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मैदान में पहुंच जाते हैं, कौन नेता आया क्या आया। तो जो नेता अपना योग्य रहता है वो नेता अपनी योग्यता से लोगों को प्रभावित कर लेता है और नहीं तो लोग यही समझते हैं आया नेताजी, भाषण दिया, चला गया, बात खत्म। स्थानीय जानकार बताते हैं कि आज भी ग्रामीण इलाकों में उड़न खटोले को देखने का लोगों में सुखद एहसास होता है और महीनों चर्चा का विषय भी बना रहता है। ये अलग बात है कि आईटी में हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन उनके लिए क्या जिसने 5 वर्षों पर नयन सुख लेने की अनुभूति पाई है। हेलीकॉप्टर आज भी देहात में ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय है और हेलीकॉप्टर जैसे ही आकाश में मंडराना शुरू होता है कि सारे लोग वहाँ ऊपर देखने लगते हैं कि कैसे ये लैंड करेगा। जिस नेता के भाषण के लिए मंच बना होता है उसके इर्द गिर्द इकट्ठे नहीं रहते, ज़्यादातर लोग हेलीपैड को घेर के खड़े रहते हैं और नेता उतर के मंच पर चले भी जाते हैं तो आधी भीड़ आपको उसी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ेगा। यह हेलीकॉप्टर का क्रेज आज भी है, जबकि आईटी सेक्टर में हम कितना आगे बढ़ गए। अब लेकिन दौर चल रहा है कि हवाई जहाज और रेलवे का किराया लगभग लगभग मिलता जुलता आ रहा है,
या पहले टिकट लीजिए तो कभी कभी तो ऐसे सेकंड से भी सस्ता पड़ जाता है। तो एक दौर आएगा जब यह भी तिरोहित हो जाएगा और यह भी कोई आम बात हो जाएगी। हेलीकॉप्टर एक सशक्त माध्यम हो गया है ग्रामीण परिवेश के पब्लिक को इकट्ठा करने का। लोग नेताओं को सुनने कम जाते हैं, हेलीकॉप्टर को देखने ज्यादा जाते हैं। बहरहाल चुनाव और उड़न खटोला का रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। एक वक्त था जब गांव की पगडंडियों और धूल धूसरित सड़कों पर नेताजी बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार करते थे और उनकी बातों को जुमले न समझकर यकीन किया करते थे। लेकिन आज ऊपर से आने वाले नेताजी के वायदों पर यकीन होना मुश्किल है। बस जनता तो आपके उड़न खटोले की दर्शनाभिलाषी है नेताजी। आप भले ही दिल में यह खुशफहमी पाले उड़ते रहिए कि जनता आपको सुनने आई है।